खबर राजधानी दिल्ली तक है। राजधानी दिल्ली में ऐसा लगा है कि पुलिस प्रशासन का अपराध याना कोई खोफे को नहीं। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर और जहांगीरपुरी इलाके में लगातार अपराधी घटना बढ़ने लग रही है। ऊँ तो अपराधी घटना सारे दिल्ली में होने लग रही है, लेकिन ये दो एरिया तो ऐसे है जड़ाई अपराधी घटना घनी बढ़ गई है। जहाँ तक इस इलाके में लोग अपना अपना सुरक्षित को नहीं समझते। ताजा मामला है दिल्ली के आदर्श नगर का, जड़े आदर्श नगर के रहने वाला एक 22 साल के तनिष्क उपाध्याय नाम के युवक पर अज्ञात बदमाशा ने कई गोली चलाई। कई गोलियां में तो युवक के 8-10 गोली लगी भी। इस बात का बेरा जिद पुलिस ने पाटा तो पहली पुलिस ने पहुंच दिए, घायल अस्पताल में भर्ती करवाया। अरिबागे की जांच करने में जुट गई है। अगली खबर है हरियाणा के नारनौंद तक। नारनौंद के बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में गेट मीटिंग करके ने प्रदर्शन कराया। इस प्रदर्शन में कर्मचारी नेता रोहतास शर्मा ने कहा, हमने ऑल इंडिया हरियाणा पावर वर्कर यूनियन के आह्वान पर विरोध गेट मीटिंग करके ने प्रदर्शन कराया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब बिजली का निजीकरण किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, अर्ची आंदोलन कितना ही बड़ा करना पड़ जियो, हम यो काम हो कौन दिया। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अगली खबर से हरियाणा के पंचकुला से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान के दौरान लोक रंग सांझ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें नशा मुक्त हरियाणा खातर लोगों से जागरूक कराया और साथ ही साथ पंचकुला के खरड़ मंगोली नदी में और साथ ही उस महिला ने बचाने वाले लोगों से भी पुरस्कार देने की घोषणा करी। जिनने उस महिला की जान बचाई थी, सरकार उन्हें 3,15,000 रुपये की नगद राशि देगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने इस प्रोग्राम में ही करी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस प्रोग्राम में कहा कि युवा ने नशे से दूर रहने की जरूरत है और हमने नशा मुक्त हरियाणा बनाना है, जय हिंद। इस प्रोग्राम का आयोजन कराया गया है। अगली खबर है हरियाणा के पलवल से। पलवल का एक प्राइवेट अस्पताल में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करी और इस छापेमारी का बेरा पाट दिए पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। लोग निन्ने निन्ने भाजे भाजे आंडे थे। सीएम फ्लाइंग ने इस बात की सूचना मिली थी कि इस अस्पताल में अनट्रेन्ड डॉक्टर इलाज करे से। इस अस्पताल में बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टर बनी आंडे हैं, जिसकी सूचना मिलती है सीएम फ्लाइंग ने तुरंत छापेमारी कर दी और अस्पताल का सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेके ने इसकी जांच शुरू कर दी। अगली खबर है हरियाणा के पंचकुला से। पंचकुला के मंडावाला में गन पॉइंट पर कार लूट मामले की घटना हुई थी। इस लूट की घटना में एक डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल करी गई कार और लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। डिटेक्टिव सटाप पंचकुला की टीम ने 6 आरोपियां धुरत है, तेज धार हथियार और एक देसी बंदूक और एक डम्मी पिस्टल बरामद करी है। ईबीए आरोपी कोर्ट में पेश करके ने न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं। अगली खबर हरियाणा का सोनीपत से है। सोनीपत में बिजली की किल्लत तो लोग इतने परेशान हो गए कि आरकी ने उन्हें इसके खातर प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन करने लोग बिजली विभाग के ऐसी कार्यालय में पहुंच गए और उड़े पूछ की ने जमकी नारेबाजी करी। लोगों का कहना है कि इतनी भयंकर गर्मी में भी बिजली काटे हैं। बिजली का ना आन का बेरा ना जान का बेरा, किसी टाइम भी कट लग जाए। आराम इस बात तक घने ठाडे परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी कर ली, लेकिन हमारी शिकायत का नहीं कोई ध्यान कौन देता, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगली खबर हरियाणा के गरौंडा से। गरौंडा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लेन खुद विधायक अरविंदर कल्याण पहुंचे। जड़े पहुंच के उन्होंने ट्यूबवेल तक सप्लाई होने लग रहे पानी के सैंपल की जांच करी और जांच में ये सैंपल फेल हो गए। फिर विधायक ने अधिकारियों से पूछा, यो के मजाक से भाई, या लापरवाही किसकी है, ये पानी के सैंपल फेल को करोगे। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों की खूब खिंचाई करी। उनने कहा कि भाई तुम तो शहर वाले की सेहत के लिए खिलवाड़ करने लग रहे हो, पूरी के बात थी सारी सुनो। पब्लिक हेल्थ विभाग वाले हजारों आदमियों की जान के लिए खिलवाड़ करने लग रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग का ट्यूबवेल तो सबत शहर में पानी सप्लाई हो, लेकिन यो पानी पीण जोगा तो कोनी। घर में जो पानी आओ से उसका क्लोरिनेशन कोनी होता, जहाँ तक पानी के सैंपल फैलोगे। पानी ऐसा आओ से जिस तक लगते दूजार आदमी नहा ले और घर के जितने जरूरी काम से वह कर ले, लेकिन यो पानी पीण जोगा कोनी। जिदाड़े के विधायक अरविंदर कल्याण और विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसका निरीक्षण कराया, इसकी जांच करी तो इसमें घनी कमी पाई। पब्लिक हेल्थ विभाग का एक स्लोगन है, स्वच्छ जल दे मारा और जल ही जीवन है, लेकिन आमने तो ऐसा लगा है ये स्लोगन बस पब्लिक हेल्थ वाले ने भीतां पर लिखवाण न बनवा रखी है। इनका और किमी मतलब कोनी और ना पब्लिक हेल्थ वाले इन किमी समझ दे। एक तो पानी का यो हाल और ऊपर तो मी का मौसम और अधिकारियों ने क्या है तो मतलब नहीं। विधायक अरविंदर कल्याण पब्लिक हेल्थ विभाग के SC और XCN ने लेकिन खुद बूस्टिंग स्टेशन पर पहुंचे।
और उड़े उन जाकी देखा कि आड़े क्लोरीन के तो टैंके टूटे पड़े हैं। थम साफ पानी की बाट देखो हो। फिर उन आड़ते सप्लाई के पानी की जांच करवाई और जांच करवाई तो सैंपल फैल हो गए। फैल तो होने थे, वह तो आड़े के हालात देख दिए बेरा पाट गया था, क्योंकि ये पानी में दवाई तो गेरे को नहीं कर दे। और सैंपल फैल होने देख की विभाग की माटी पिटती देख की एक्सीएन विकास बालियान ने खुद नमूने की जांच करी। एक्सीएन विकास बालियान बोला कि रुक जाओ मन देखने दो एक बार, लेकिन उनके करे तो के होता पानी जिसा था उसा तो था, सैंपल फिर फैल हो गया। बस फिर के था पाक्षद विधायक ने सारे अधिकारी लाइन हाजिर कर दिए और सारे की खूब जमकी खिंचाई करी। इसके बाद तो विधायक ने अधिकारियों से पूछा, अरे यू जनता के लिए के मजाक चल रहा है। विधायक ने अधिकारियों का ऐसा हाल कर दिया कि अधिकारी नू मौका देखने लगे कि बस थोड़ी सी जगह मिल जाए लिकड़न ने, और अब मौका मिलती यहाँ तक खेच जावा। पाछे विधायक ने फिर मुख्य जलघर की भी जांच करी, उसमें उड़े भी कई कमी पाई। डंग डंग पर कमी पांदी देख के विधायक ने अधिकारियों से कहा कि भैया का रिकॉर्ड और दिखाओ। मैंने गरौंडा शहर के उन गामा खातर जड़े ट्यूबवेल तक पानी सप्लाई हो है, सरकार की तरफ से सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक बहुत बड़ी मात्रा भेजी जा है, लेकिन आड़े एक बहुत बड़ा सवाल यो है कि जब ये पानी में दवाई मिलान दे नहीं तो फिर वह दवाई जा किस है। विभाग की यह लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लग रही है। इस मामले ने लेकिन विधायक ने कहा कि वो इसकी पूरी जांच PWD SC तक करवाओगे। विधायक ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये बात गया देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और आगे के करे। पब्लिक ने पीण ने साफ पानी मिलेगा कि जिस आओ है उस आए पीण पर मजबूर होंगे। अगली खबर से हरियाणा के अम्बाला है। सबत हरियाणा में रुक रुक की मी आने लग रहा है। मी का एक फायदा तो लोगों का ये हो गया कि लोगों ने गर्मी तो थोड़ा सांस आ गया, और दूसरा फायदा है किसाना के। इस मी का किसाना की फसला के बहुत फायदा हुआ है। जो किसान धान की फसल बोए थे उनने धान रोपाई में इसका बहुत फायदा मिला है, लेकिन दूसरी ओर किसाना का इतना नुकसान भी होने लग रहा है। सूरजमुखी मक्का की फसल कती तैयार हो रही थी, लेकिन इस मीत उनमें करड़ा नुकसान हो गया। जिन किसानों ने सब्जी बोरा की थी वह सब्जी भी खराब होगी। किसाना की सूरजमुखी की फसल छिड़ गई और किसान एक बार फिर मौसम की मार की चपेट में आएगी। जात एक बार फिर किसाना के चेहरे लटक गए। इस किसाना का कहना है कि इस मीत फायदा कमर नुकसान घना हुआ है। सूरजमुखी की फसल मंडिया में बीज की न कति खराब होने की स्टेज पर जा ली, और घर न पड़ी थी वह भी कति खराब हो ली। हालात ये है किसान अपनी सूरजमुखी की फसल ने घर न पंखे नीचे सुखाने लग रहे हैं, और ऊपर सरकार ने एक और चाड़ा कर दिया। सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया। जहाँ तक किसान किमी तो मीत परेशान थे, और किमी पोर्टल बंद होने तो और ज्यादा परेशान हो गए। जहाँ तक किसान 29 तारीख ने यमुना नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो रैली है उसका विरोध करने की चेतावनी दी थी कि जब हमारा समाधान नहीं आया तो 29 तारीख वाली रैली का सारे किसान विरोध करेंगे। हरियाणा में मई जून के भिन्न में सदाए लू चाल दिया ही, लेकिन इब के मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। जिद्दे थोड़ी सी गर्मी हो है उससे टेम मी आ जाए है और मौसम ठंडा हो जाए है। इस मौसम का बदलाव तो लोगों ने गर्मी तो थोड़ा सा जरूर सांस आ गया, लेकिन जो लगातार रुक रुक की बारिश हो है इसने किसाना की चिंता जरूर बढ़ा दी। रोज बारिश होने तक किसाना की धान की फसल में तो थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन और फसला में इसका घना नुकसान भी हो गया। सूरजमुखी की फसल भी खेत में खड़ी है, लेकिन मी उसने काटन का टेम में कौन देंदा। किसान काटन जा है इतना फेर बूंदाबांदी शुरू हो जाए, और जो इसने काट की घर न ले गए वह घर न पड़ी सड़न लग रही है। इब हालात ये हो रहे हैं कि सूरजमुखी में तो कीड़े पड़न लग गए। इब किसान जिस घर में आप रहे से उससे में पंखे नीचे इस फसल न सुखाने की कोशिश करे है। हालात इसे हो रहे हैं कि छोटे छोटे घर में कोई इसी जगह को नहीं जड़े सूरजमुखी ने ना सुखा रखी हो। गांव लिकड़दा को नहीं जाते सूरजमुखी की फसल सूख दी को नहीं, और लोग मजबूरी में पंखे तड़द रहे हैं। और जो किसान सूरजमुखी की फसल न मंडी में लेके गए थे वह उड़े बीज की न खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। किसाना की खेत में मक्का की फसल भी पक्की तैयार हो रही है, लेकिन यो मौसम उसने काटन तो दे। ईब किसाना ने इस बात का करड़ा डर लग गया है कि हमारी मक्का की फसल भी खराब होगी। बारिश की मार के कारण सब्जी पहले खराब होली नू देखा जा तो किसाना का चोकर दूते मार लगन लग रही है। किसाना का कहना है कि सरकार ने पोर्टल भी बंद कर दिया जहाँ तो उनकी सूरजमुखी की फसल नहीं बिक्री, और जब बिकती होंगी तो आज तक खराब होने की नौबत को नहीं आंदी या पहली बिकलेर। किसान नेताओं ने सरकार की चेतावनी दी है कि जब हमारी फसल नहीं खरीदी गई तो फिर 29 तारीख न यमुनानगर में जो बीजेपी की रैली होगी जिसमें राजनाथ सिंह आने हैं उसका हम विरोध करेंगे। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो पोर्टल खोल लिया जा और सूरजमुखी की फसल की खरीद करी जा।